आर शो मीडिया की पाठशाला। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हर बार हम आपके लिए मीडिया के फील्ड से रिलेटेड कुछ खास और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, इसी तरह मैं आज आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो बताइए, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, आज का ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा सीरियस और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात ही ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में करेंगे जो अपने आप में ही बहुत गंभीर होते हैं। फिल्मी दुनिया के रेप्यूटेटिव और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटीज़, डायरेक्टर्स। क्या आप भी डायरेक्टर बनने का अरमान रखते हैं और इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन की तलाश में हैं? तो आज आपकी ये तलाश खत्म होती है, क्योंकि मीडिया की पाठशाला आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनका एक डायरेक्टर में मौजूद होना ज़रूरी है। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी, अ डायरेक्टर इज़ ऑल इन वन। जब आप एक फिल्म देखते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं? एक्टिंग, डांस, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के पीछे एक क्रिएटिव माइंड होता है जिसे हम डायरेक्टर बोलते हैं। डायरेक्टर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, द वन हु डायरेक्ट्स, जिसका काम सिर्फ एक्शन या कट बोलने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, कैमरा एंगल से लेके बजट तक एक डायरेक्टर को सिनेमा के हर पहलू की जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल एज वेल एज द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सिनेमा। दोस्तों, फिल्म मेकिंग एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जिसमें टेक्नोलॉजी और आर्टिस्ट्री दोनों ही मिलकर स्टोरी को कैप्टिवेटिंग बनाने में और ऑडियंस को एंटरटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए किसी भी तरह के फिल्म मेकिंग के दो मेन पहलू होते हैं, क्रिएटिव एंड टेक्निकल। एक्टिंग, डांस, म्यूजिक, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सभी चीज़ें सिनेमा के क्रिएटिव एस्पेक्ट में आते हैं। उसी तरह एडिटिंग, लाइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें सिनेमा के टेक्निकल एस्पेक्ट में आते हैं। और किसी भी फिल्म को अच्छा बनाने के लिए डायरेक्टर की दोनों ही साइड पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। थर्ड, द क्वालिटी ऑफ मेकिंग अ शॉट इम्पैक्टफुल। दोस्तों, फिल्म के शूटिंग के दौरान कैमरा से अलग अलग तरह के शॉट्स लेना तो एक कैमरामैन का काम है, लेकिन इस शॉट की ज़रूरत क्यों है और इस शॉट का सीन पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये सोचना एक डायरेक्टर का काम है, क्योंकि हर शॉट फिल्म में एक साइकोलॉजिकल मीनिंग क्रिएट करता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना ज़रूरी है कि कब किस शॉट का किस तरह कहाँ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फोर्थ, ग्रेट इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन पावर। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा होता वैसा होता, क्या कोई कहानी आपके दिमाग में फिल्म की तरह चलती है? इसे इमेजिनेशन पावर कहते हैं। जिस तरह एक कवि या लेखक लफ्ज़ों में सोचा करते हैं, उसी तरह एक डायरेक्टर को हमेशा विजुअल्स और पिक्चर्स में इमेजिन करना चाहिए, क्योंकि शूटिंग से पहले उन्हें हर सीन एक्टर को एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए डायरेक्टर का इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ, ग्रेट ऑब्जर्वेशन पावर। एक डायरेक्टर का ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। डेली लाइफ की हैपनिंग्स, घर में, ऑफिस में, पार्क में या कहीं और, कोई किस तरह रोता है, कोई किस तरह हंसता है, किसी के बात करने का स्टाइल क्या है, ये सभी चीज़ें डायरेक्टर को ज़रूर पता होनी चाहिए, ताकि वो कैरेक्टर की डिमांड को फुलफिल कर सके। जैसे एक छोटे बच्चे का कैरेक्टर क्या डिमांड करता है, या फिर एक बूढ़े आदमी का कैरेक्टर क्या डिमांड करता है, ये सभी चीज़ें डायरेक्टर तभी समझ सकता है जब उसने कभी एक बूढ़े व्यक्ति को या फिर छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया हो। इसलिए एक डायरेक्टर के ऑब्जर्वेशन पावर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ, नोवेल्टी इन फिल्म मेकिंग। हम या आप फिल्म में हमेशा नए कॉन्सेप्ट्स को तलाश करते हैं। हम जो पहले देख चुके हैं उसे बार बार वापस देखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए डायरेक्टर को चाहिए कि वो फिल्म से जुड़े इश्यूज़ और मुद्दों को एक नए अप्रोच के साथ ट्रीट करे। सेवन्थ, द आर्ट ऑफ एडिंग एंटरटेनिंग एलिमेंट्स। एनी फिल्म विच फेल्स टू एंटरटेन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। इसलिए हर फिल्म में एंटरटेनिंग एलिमेंट्स, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, इन सभी को सही से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ताकि फिल्म को एंटरटेनिंग बनाया जा सके। एट्थ, गुड मैनेजर। एक डायरेक्टर को अपना काम करते वक्त कई सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डायरेक्टर का अच्छा बिजनेसमैन होना भी ज़रूरी है, इसलिए उन्हें मनी मैनेजमेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही एक डायरेक्टर के काम के लिए कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी एक क्रूशियल पार्ट बन जाता है। और साथ ही सभी काम को सही तरह से करने के लिए एक डायरेक्टर को अपने गुस्से पर काबू पाना भी ज़रूरी है। नाइन्थ, हैबिट ऑफ स्टडिंग इमोशंस। लोगों के इमोशंस को पढ़ना, कोई क्यों रोता है, कोई क्यों हंसता है, कोई किस तरह अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ओवरऑल एक डायरेक्टर को इस बात से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इमोशंस को स्क्रीन पर सही तरह से पोर्ट्रे कर सके।
10th, फुल नॉलेज ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग करना तो एक एक्टर का काम है, लेकिन कैरेक्टर के डिमांड के अकॉर्डिंग उस एक्टिंग को बाहर निकलवाना एक डायरेक्टर का काम है। इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक डायरेक्टर को एक्टिंग के हर बारीकी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो कैरेक्टर के डिमांड को फुलफिल कर सके। 11th, गुड एडिटिंग स्किल्स। एक डायरेक्टर का अच्छा एडिटर होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ओवर शूटिंग या फिर अंडर शूटिंग को प्रिवेंट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन के दौरान डायरेक्टर किसी सीन के एडिटेड वर्जन को अपने दिमाग में पहले से ही बिल्ड कर ले, तो वो सिर्फ उतना ही शूट करेगा जितना कि उस सीन की डिमांड हो, जिससे पैसे और वक्त दोनों की ही बर्बादी नहीं होगी, और साथ ही डायरेक्टर अपनी इस काबिलियत से एडिटर का काम भी आसान कर देते हैं। 12th, गुड स्टोरी टेलर। एक डायरेक्टर का अच्छा स्टोरी टेलर होना भी बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल स्क्रिप्ट को एक कैप्टिवेटिंग स्टोरी में कन्वर्ट करने की काबिलियत होनी चाहिए डायरेक्टर के पास। जैसे कि एक नॉर्मल स्क्रिप्ट पढ़ने में बोरिंग या फिर ऑर्डिनरी लग सकती है, लेकिन एक डायरेक्टर का विजन उसी नॉर्मल सी स्क्रिप्ट को अमेजिंग सीन्स में कन्वर्ट कर सकता है। 13th, कनेक्शन विद द सोसाइटी। एक डायरेक्टर को सोसाइटी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेंटेन करना चाहिए। सोशल इवेंट्स जैसे प्रोग्राम को उन्हें अटेंड करते रहना चाहिए, ताकि वो ऑडियंस की डिमांड और एक्सपेक्टेशंस का अंदाज़ा लगा सकें, जिससे उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट को प्लान करने में आसानी हो। 14th, अ डायरेक्टर शुड बी इमोशनली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। एक डायरेक्टर को हमेशा इमोशनली और फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जहां डायरेक्टर एक लीडर के तौर पर परफॉर्म करता है, इसलिए उन्हें सिनेमा के फील्ड से अलग अलग तरह के लोगों से डील करना होता है। इसलिए एक डायरेक्टर का नर्म मिजाज होना और साथ ही साथ फिजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। एक डायरेक्टर के पास हमेशा नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने और चेंजेस के साथ आगे बढ़ने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एक अच्छा डायरेक्टर सिर्फ वो नहीं है जो पैसे कमाने के लिए फिल्म बनाए, बल्कि उसका मकसद उस कला, उस आर्ट को बनाना होता है जो कि फिल्म के इंटरेस्ट के साथ मैच करे। दोस्तों, यूं तो फिल्म मेकिंग में कई सारे लोग जैसे एक्टर्स, एडिटर्स, सिनेमेटोग्राफर्स और बाकी क्रू मेंबर्स सभी मिलकर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म के पीछे जो मेन क्रिएटिव फोर्स होता है वो एक डायरेक्टर का होता है। एक डायरेक्टर अपने साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर चलता है, इसलिए उन्हें कैप्टन ऑफ द शिप भी कहा जाता है। एक अच्छा डायरेक्टर सिर्फ वो नहीं है जो सक्सेसफुल फिल्म बनाए, बल्कि वो है जिसके दिल में लोगों के लिए प्यार हो और जिसके अंदर बहुत सारा पेशेंस हो। हमेशा याद रखें दैट अ ग्रेट डायरेक्टर इज ऑलवेज मोर देन अ पर्सन हु मेक्स अ फिल्म। तो ये था आज का प्रोग्राम। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।